मैथ्स यानी कि गणित, यूं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपको रीडिंग नहीं करनी होती है बल्कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन इस सब्जेक्ट के बारे में ये कहा जा सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को तो ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, तो कुछ स्टूडेंट इसके नाम से ही घबरा जाते हैं। ऐसा क्यों? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी जरूर होगा। इसलिए अगर आपको भी मैथ सब्जेक्ट से डर लगता है या फिर आप इसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप करने के बहुत ही आसान तरीके बताने वाले हैं, जो सिंपल तो है ही, साथ ही आपको इनसे फायदा भी जरूर होगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि मैथ्स की ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम आपकी मदद कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे 6 सिंपल बट इफेक्टिव टिप्स जो मैथ्स को आसान बना सकते हैं। नंबर 1 पर है, मैथ्स के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। बहुत बार मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आने का कारण हमारा माइंडसेट होता है। बचपन से सुनते आते हैं कि मैथ्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, इसमें मुश्किल से स्कोर कर पाते हैं, भाई इसे तो रट भी नहीं सकते, हर क्लास के साथ ये और भी ज्यादा टफ हो जाती है, और किसी ने अगर इसको पार कर लिया तो उसकी जिंदगी सफल है। ऐसी न जाने कितनी सारी बातें हम अपने घर और स्कूल में सुना करते हैं, और अनजाने में हमें भी मैथ से डर लगने लग जाता है, जो इस सब्जेक्ट में कभी आगे नहीं बढ़ने देता। इसीलिए सबसे पहले अपने माइंडसेट को सही कीजिए और यकीन मानिए कि मैथ्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। खुद से कहिए कि आप आसानी से मैथ्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेंगे तो मैथ्स कोई हवा नहीं रह जाएगा, बल्कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनने लगेगा। आगे टिप नंबर 2 है कि प्रैक्टिस करें। अब जब आपका माइंडसेट मैथ्स के लिए ओपन और पॉजिटिव हो गया है, तो फिर आप मैथ्स से बचकर भागने की बजाय इसे कुछ वक्त तो जरूर देना चाहेंगे ना। इसलिए शुरू में मैथ्स की ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें जो ज्यादा टफ ना हो, और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ऐसा करने की वजह यह है कि अभी अभी आपने मैथ्स में इंटरेस्ट लेने की शुरुआत की है, और अगर शुरुआत में ही बहुत ज्यादा टफ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे तो आपका यकीन डगमगा सकता है, और ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं चाहते। इसीलिए धीरे धीरे आगे बढ़ें। अब आगे टिप नंबर 3 की बात करते हैं, और वो कहती है कि मैथ से जुड़े गेम्स खेलें। मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप ऐसे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं जो मैथ्स का यूज करके पजल्स को सॉल्व करते हो। ऐसा करने से आप मैथ्स को एंजॉय करना शुरू करेंगे, और आपको याद हो तो हम ये बात कर चुके हैं कि मैथ्स टफ सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हमारा माइंडसेट इसे टफ समझता है। इसीलिए मैथ्स को फन से जोड़कर आप अपने ब्रेन को यकीन दिला सकते हैं कि हाँ, मैथ्स तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने कोर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय पूरा टाइम पजल सॉल्व करने में ही लगा दें। कुल मिलाकर के आपको ना बैलेंस तो रखना ही है। टिप नंबर 4 है, मैथ्स की ट्रिक्स का यूज करें। मैथ्स में बहुत सारी ट्रिक्स होती है जो ना केवल इसे इंटरेस्टिंग बनाती है, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगने वाला टाइम भी काफी कम कर सकती है। ये ट्रिक्स टेबल लर्न करने से लेकर के कैलकुलेशन करने तक का काम बहुत आसान बना देती है, इसीलिए मैथ्स ट्रिक्स का यूज जरूर करें। 5वीं टिप है कि मैथ्स को डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए। हम ये भी कह सकते हैं कि मैथ्स तो आपकी डेली लाइफ में हमेशा से ही काम आती है, चाहे अलार्म क्लॉक सेट करनी हो, घड़ी में टाइम देखना हो, या फिर सामान का हिसाब करना हो, लेकिन अब से आप इसे ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए और नए नए तरीके से मैथ्स का यूज डेली रूटीन में करने की कोशिश करें। जैसे ट्रैवलिंग में लगने वाला टाइम, कॉस्ट और डिस्टेंस पता लगाइए, शॉपिंग के लिए बेस्ट प्राइस क्या होगा ये कैलकुलेट करें, और कुकिंग मेजरमेंट्स में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। आगे टिप नंबर 6 है कि सवाल पूछे। अपनी मैथ्स प्रॉब्लम को बढ़ाते जाने से बेहतर होगा कि आप अपने टीचर से हेल्प ले। क्लास शुरू होने से पहले उसके बारे में थोड़ी स्टडी कर ले, फॉर्मूलास एंड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करे, ताकि क्लास के दौरान मैथ सॉल्व करना आसान हो सके। क्लास में सबसे पीछे मत बैठिए, ऐसा करने से आप फोकस नहीं कर पाएंगे। आगे बैठे और क्लास में पार्टिसिपेट करें। अभी तक आपने इरिटेट होकर डर कर तो बहुत देख लिया, अब पार्टिसिपेट करें। प्रॉब्लम्स के बारे में पूछे, फ्रेंड्स के साथ सॉल्व करें, और लगातार प्रैक्टिस करते रहे। तो दोस्तों, जो मैथ्स है यानी कि गणित जो है, वो कोई फोबिया नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्लियर है, प्रैक्टिकल है, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, रीजनिंग बिहेवियर और सेल्फ रेगुलेशन की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। इसीलिए इसे अपना दोस्त बना लीजिए, ताकि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाए। तो आई एम श्योर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी मैथ्स के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए, उसे निभाने के लिए और बहुत आगे जाने के लिए।
तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां आपको मिलती रहेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आप कह रहे हैं कि रूबी ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन कोई भी मिस ना हो, ऐसी कोई जानकारी मिस ना हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ कोई सवाल है आपका, किसी बारे में जानना चाहते हैं, बहुत टाइम से सोच रहे हैं, काफी रिसर्च की है लेकिन अभी तक संतुष्टि नहीं मिली है, तो प्लीज हमें लिख करके जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस बारे में वीडियो लाने की, उस जानकारी को आप तक पहुंचाने की। तब तक के लिए धन्यवाद।